भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खबरों की ओर। नागपुर शहर में अब अपराधी दिन दहाड़े गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। आज शुक्रवार तड़के ऐसा एक मामला कामगार नगर सम्राट अशोक चौक पर हुआ, जहां एक इनोवा कार से आए 5 से 6 अपराधियों ने आपराधिक प्रवृत्ति के एक युवक पर गोली मारकर हत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि सोनू और बंदर नामक युवक पर यह गोलीबारी हुई। भंडारा जिले के धान खरीदी केंद्र संचालकों की विभिन्न समस्या को लेकर 14 मार्च 2024 को दोपहर के बीच विश्राम भवन भंडारा में पूर्व सांसद शिशुपाल पटले, किसान संघ के जिलाध्यक्ष हरेंद्र रांगडाले के नेतृत्व में धान केंद्र के संदर्भ में सभा का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान जिले भर के सभी धान क्रय केंद्र चालकों की समस्याओं को जानते हुए तथा उक्त समस्याओं को जिला विपणन पदाधिकारी के समक्ष लाकर उनके माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया गया। इस मौके पर जिले भर से बड़ी संख्या में धान क्रय केंद्र चालक मौजूद रहे। भंडारा जिले के मोहाड़ी के सही स्मारक क्षेत्र में कबड्डी के वैधानिक खेल मैदान में भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया था। यह समारोह सांसद सुनील मेंडे की उपस्थिति में आयोजित किया गया और खेलों में रुचि रखने वाले सांसद सुनील मेंडे ने खिलाड़ियों को आने वाली समस्या और उनके लिए योजना बनाने के बारे में किया मार्गदर्शन। चंद्रपुर जिले में एक बाघ ने 58 साल के शख्स पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बाघ अब तक 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि 58 साल का नामदेव जंगल में लकड़ी काटने गया था, उसी दौरान बाघ ने उस पर हमला किया। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर जारी बातचीत के बीच चर्चा है कि अजीत पवार की पार्टी को 3 से 4 सीटें मिल सकती है। इसे लेकर अब अजीत पवार के करीबी प्रफुल्ल पटेल की प्रतिक्रिया आई है। कहा है कि सीट शेयरिंग का अभी फाइनल फार्मूला नहीं निकला है। उन्होंने कहा है कि यह चर्चा कि हम सिर्फ 3 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सही नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी साफ किया है कि हम इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज सुबह महाराष्ट्र के पालघर से फिर शुरू हो गई है। आजादी के बाद से आदिवासियों और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक गठबंधन पर जोर देते हुए पार्टी नेताओं का लक्ष्य उन्हें न्याय के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त करना है। महाराष्ट्र में जो महिला सशक्ति के प्रति अपने प्रगतिशील रूप के लिए जाना जाता है, गांधी अपनी भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाना चाहते हैं। कल 16 मार्च को दोपहर 3 बजे आम चुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अमरावती के दरियापुर में रात में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस आग में दुकानें जलकर खाक हो गई। हनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। बुलढाणा में एक तेज रफ्तार आयसर ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत होकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर तालसवाड़ा के पास आज सुबह करीब 11:30 बजे हुई। इस घटना के बाद करीब 2 घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य भर में तंबाकू और सुपारी के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले FDA के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया है कि जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य के विशेषाधिकार पर जोर दिया गया। कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पी पुनीवाला की पीठ ने अपने नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने की प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। पीठ ने कहा कि जबकि हर राज्य की अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश ने प्रतिबंध नहीं लगाया, जिसका मतलब यह नहीं है कि महाराष्ट्र इसकी अनुमति देगा। पिपरी चिचवट शहर से एक पत्नी द्वारा सेना में कार्यरत प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना आलंदी थाना क्षेत्र के चिंबली में हुई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी की नजर मृतक के 1 करोड़ रुपए के टर्म इंश्योरेंस पर थी। वे तीनों उस पैसे को आपस में बांटने वाले थे।